80 के दशक में एक्ट्रेस दिव्या राणा और मंदाकिनी ने लगभग एक ही समय इंडस्ट्री में कदम रखा था। ये दोनों फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक साथ नजर आई थी, लेकिन मंदाकिनी की मासूमियत का फैंस पर ऐसा जादू चला कि इस फिल्म में राजीव कपूर और दिव्या के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें नोटिस नहीं किया गया। इस फिल्म की सफलता का श्रेय मंदाकिनी को गया था। फिल्म राम तेरी गंगा मैली के हिट होने का फायदा दिव्या राणा को नहीं मिला था। इसके बाद दिव्या राणा फिल्म वतन के रखवाले, एक ही मकसद, आसमा और माँ कसम जैसी फिल्मों में दिखी थी। ये सारी फिल्में दिव्या राणा की फ्लॉप हो गई थी। दिव्या राणा फिल्मों में कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद दिव्या राणा ने फिल्में छोड़ दी थी। फिल्में छोड़ दिव्या राणा ने शादी कर ली और आजकल वो मुंबई में रह रही हैं। उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने अपना नाम बदलकर सलमा मनेकिया रख लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या राणा मुंबई में ही एक फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रही हैं। वे मूर्तिकार भी हैं और मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं।